क्या हम थर्मल पेस्ट की जगह कोलगेट यूज़ कर सकते हैं या फिर फेविक्विक या फिर फेविकोल। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन के आज मैं आंसर करने वाला हूँ उस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM टेक टिप्स और आस्क RPM के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भी आपका कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैशटैग यूज़ करिए #AskRPM और मैं उसका अगले संडे को जो है आंसर करूंगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं #AskRPM हैशटैग को लेके। पहला क्वेश्चन पूछा है जसवंत जी ने, वो पूछते हैं कि चैनल ट्रेलर कैसे हम जो है बना सकते हैं, हमारे चैनल जैसा यानी कि RPM टेक टिप्स जैसा चैनल ट्रेलर हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी जो है टेम्पलेट्स मिलती है आफ्टर इफेक्ट की, उनको आपको एडिट करना होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है वहाँ पे, और अगर आपके पास PC अच्छा है तो वो रेंडर हो जाएगा। अदरवाइज मुझे वो जो चैनल ट्रेलर है मेरा उसको रेंडर करने में पूरी रात लगी थी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जो टेम्पलेट आपको मिलती है वो ऑनलाइन कहीं पर भी मिल सकती है, बहुत सारी फ्री टेम्पलेट अवेलेबल है। आपको जो है गूगल पर सर्च करना रहता है आफ्टर इफेक्ट फ्री टेम्पलेट करके, आप सर्च करेंगे तो वो आपको आसानी से जो है टेम्पलेट्स मिल जाएगी, चैनल की ट्रेलर की टेम्पलेट मिल जाएगी, आसानी से उनको जो है एडिट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए, कैसे उसमें एडिट करना है उसका जो ट्यूटोरियल है वो मैं आसानी जो है मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं चैनल पे, या फिर प्रोडक्शन के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का जो है ट्यूटोरियल मैंने बता चुका है। बट वहाँ पे आपको जो है हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं रजनीश कुमार, इनका क्वेश्चन है कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए इनको कोई जो कि लो एंड कंप्यूटर पे वर्क करे, यानी कि उनके पास पुराना कोई कंप्यूटर होगा कोर ड्यूल मान लो, या फिर एकदम जिसमें 2 GB या 4 GB रैम है, या फिर कोर ड्यूल प्रोसेसर है, या फिर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, उसमें आसानी से कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उनको चाहिए जो कि वर्क करे, आसानी से सॉफ्टली वर्क करे। तो ऐसा सॉफ्टवेयर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक वीडियो भी बना चुका हूँ मैं इसका ऑलरेडी पहले, एक वीडियो पैड एडिटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि बहुत ही सिंपल, कोई भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें आसानी से वो वर्क करेगा, और आसानी से आप जो है उस पर वीडियोज़ आपकी जो है एडिटिंग कर पाएंगे। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको एक कोई वीडियो एडिटिंग करनी है तो आसानी से आप उस सॉफ्टवेयर पे जो है वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। उसका फुल ट्यूटोरियल भी मैं बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो कार्ड्स में आ रहा होगा वीडियो उसका, आप देख सकते हैं जाके, और उस वीडियो को जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है हिमांशु और सूर्यदेव ने, ये पूछते हैं कि क्या हम थर्मल पेस्ट जो होता है जो कि हीट सिंक और CPU के बीच में हम लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, उसकी जगह क्या हम कोलगेट लगा सकते हैं या फिर फेविक्विक या फिर फेविकोल का हम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो आप बिल्कुल भी इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा वो समझना पड़ेगा कि थर्मल पेस्ट जो है हम यूज़ क्यों करते हैं। आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि हम यूज़ क्यों करते हैं, तो फिर आप कभी भी कोलगेट का या फिर फेविक्विक का आप कभी यूज़ नहीं करेंगे थर्मल पेस्ट की जगह पर। हम उसका यूज़ इसलिए करते थे कि हमारा जो CPU है और जो हमारा हीट सिंक है उसके बीच में जो उसका यूज़ करते हैं। अब बीच में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों की जो एक सरफेस रहती है वो कभी भी सेम नहीं रहती, क्योंकि जो मेटल है दोनों, जैसे CPU का एक मेटल हो गया या फिर हम हीट सिंक का मेटल हो गया, दोनों की जो मेटल है वो कभी भी फ्लैट नहीं रहती है। तो हम दोनों को अगर चिपकाते हैं साथ में तो बीच में कहीं ना कहीं उनके जो एयर रह जाती है, किस में एयर रह जाती है, जो कि होल रहते हैं कभी माइनर से जो कि हम देख नहीं पाते हैं बट रहते हैं, उनमें एयर रह जाती है। अब वो एयर क्या करती है, हीट ट्रांसफर नहीं कर पाती है CPU से हमारे हीट सिंक में, और हीट सिंक फिर बाहर नहीं फेंक पाता है। तो उसकी मदद से उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो CPU जो है वो ओवर हीट हो जाता है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, थर्मल पेस्ट का यूज़ करते हैं। थर्मल पेस्ट क्या करता है, उस एयर को फील कर देता है और वहाँ पे हीट जो है जनरेट होती है CPU में, वो जो CPU है उससे हीट सिंक में ट्रांसफ़र करने को मदद करता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं थर्मल पेस्ट का। थर्मल पेस्ट भी इसी कंपाउंड से, काफ़ी सारे जो मेटल के कंपाउंड है उनसे बना होता है, और कोलगेट या फिर फेविक्विक की हम बात करें तो ये कंपाउंड या फिर मेटल के कोई उनसे बनी नहीं होती जो आपकी जो हीट ट्रांसफ़र करने में मदद करे। तो इसलिए हम वहाँ पे जो कोलगेट या फिर कोई भी अदर थर्मल पेस्ट रिप्लेसमेंट कर पाए उनका हम यूज़ नहीं कर सकते। और थर्मल पेस्ट भी आपको अच्छा वाला यूज़ करना चाहिए ताकि जो कूलिंग है, हमारी जो कूलिंग है वो CPU की वो अच्छी तरह से हो पाए। अगला क्वेश्चन पूछा है विगिटो रॉकर ने, ये पूछते हैं शुड आई अप्लाई फॉर एडसेंस अप्रूवल, आई गॉट 7 पोस्ट विथ अबाउट 100 व्यूज पर डे, आई गॉट ए .go डोमेन एंड ब्लॉगर होस्टिंग, आई डोंट हैव ए कस्टम टेम्पलेट्स ऑन माई ब्लॉगर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप, मुझे नहीं लगता आप इंडिया से हैं, आप समझ पा रहे होंगे इसको, अगर आप समझ पा रहे हैं
तो आपको बता दूं कि .ga जो आपने होस्टिंग, जो भी आपने डोमेन नेम लिया है, इसको अप्रूव होने में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप काफ़ी अच्छा, आपका जो आपने ब्लॉग बनाया है वो काफ़ी अच्छे से बनाया है, आपने काफ़ी सारे 7 ब्लॉग पोस्ट में, तो आपका कभी अप्रूव नहीं होगा। अगर आप 100 या 200 व्यू पर डे भी आ रहे होंगे तो भी 7 ब्लॉग पोस्ट में तो कभी अप्रूव नहीं होगा। कम से कम आपको 15 से 20 पोस्ट, यूनिक पोस्ट आपको लिखनी पड़ेगी आपके ब्लॉग में, और उसके बाद आपको अप्लाई के लिए जो है अप्रूवल, जो है रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, यानी कि एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी अप्लाई के लिए। तो उसके बाद ही आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी 7 पोस्ट है तो कभी अप्रूव नहीं होगा आपका जो है होस्टिंग जो आप चाह रहे हैं, जो वो अप्रूव कभी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो वो आप अगर एक बार वीडियो देख लेंगे एडसेंस का, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियो का कार्ड्स में लिंक आ रहा होगा, उनके जरिए आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से वीडियो है वो, उनको आप एक बार दोनों को अच्छे से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कब आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन सा जो है हमको टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हमको ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये थे सारे क्वेश्चन आज के, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपका क्वेश्चन, आपको भी कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, किसी भी टेक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे हैशटैग का यूज़ करिए #askrpm, और ट्विटर पर यूज़ कर सकते हैं आप #askrpm में, वहाँ से क्वेश्चन लूँगा और नीचे इस वीडियो के, सिर्फ इसी वीडियो के नीचे से मैं कमेंट जो है पिक करूँगा। तो आप अगर आपका क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं #askrpm को लेकर, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी है वो मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पर। आपका अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियो की लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट की वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।